हेलो हाय ब्रेंड, आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है। देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये 12:30 बजे से हो रही है। अभी 1:30 बज रहा है, अब भी बारिश नहीं रुक रही है। काले काले बादल चारों तरफ छाए हुए हैं, अभी ऐसा लग रहा है और होगी। रोड पे और सड़कों पे पानी भरा हुआ है। स्कूल का टाइम हो गया, छुट्टी का, ये सब लोग छाता ले लेके अपने बच्चों को लेने जा रहे हैं। बारिश अभी भी नहीं रुक रही है, बारिश बहुत तेज है। देखो हमारे यहाँ कितनी तेज बारिश हो रही है। आज कुछ बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो गई है, वो बच्चे बारिश में ही भीगे भीगे आ रहे हैं। इधर जल्दी जा, दौड़ के बैग गीले हो जाएंगे। बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया है और पानी का पता नहीं है कब तक खोलेगा। देखो अंधेरा छाया हुआ है, काले काले बादल हैं। अभी देखो मीनू अपनी एक लड़की को तो पैदल ला रही है और एक लड़की को पीठ पे बिठा के ला रही है। पन्नी उड़ा दी है, पीठ पे बिठा के ला रही है, झुकी जा रही है खुद। ओहो देखो निकली ना दूसरी छोरी। ये आ गया डुग्गू, ये भी बाहर बारिश के मजे लेगा। इसकी मम्मी नहीं आई अभी, सालू को लेके नहीं आई तेरी मम्मी? सब बच्चों की मम्मी लेने गई थी, सारे बच्चे छाता लगा लगा के स्कूल से वापस आ रहे हैं। उसको भी छुपा ले तनीसा, वो इसको भीगने में मजा आ रहा है। तनीसा के कहाँ रखे आई रेमिया? ओहो जूती गीली हो जाती है, इसलिए माँ को पकड़ा दी। अच्छा अब भी बारिश हो रही है, सारे बच्चे दौड़े चले आ रहे हैं घर को। कब तक इंतजार करें, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बादल भी बहुत काले काले हैं अभी। देखो सभी लोग छाता लगा लगा के अपने बच्चों को ला रहे हैं। भरा होगा पानी इसलिए जूते में घुस गया है। सृष्टि बहुत ज्यादा पानी, देखो दो बच्चे ये आ रहे हैं स्कूल से, कोई छाते में कोई बिना छाते में, सारे दौड़े चले आ रहे हैं घर पे। ऐसी मम्मियां लोग होती हैं, देखो बच्चों को छाता दे दिया और खुद बिना छाता के आ रही हैं। ये होती है माँ की ममता। बारिश अब भी है, थोड़ी हल्की हो गई है लेकिन बंद नहीं हुई है। सारे बच्चे बाहर जूते खोल रहे हैं, घर में किचकिच हो जाएगी। सारे बच्चों के जूतों में पानी भर गया था। सारी गली के बच्चे आ गए हैं, मेरे ही बच्चे नहीं आए अभी, पता नहीं क्यों। मेरे एक भी बेटा नहीं आया दोनों में से। ये एक मैडम भी आ गई है वापस स्कूल से। भीगती भीगती देखो मेरा बेटा आ गया है, ये भी बारिश में आज भीग गया, पूरे कपड़े भीगे पड़े हैं। बड़ा वाला आया वो भी भीग गया था और वो नहा लिया, बाथरूम में नहा रहा है। और ये छोटा वाला ये भीगा पड़ा है।